क्योंकि एक छोटी सी कथा है, ध्यान से सुनना। एक बार एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति की अपनी पत्नी के साथ बनती नहीं थी। बहुत साल से वो उसके साथ रहता था और उसका एक छोटा बच्चा भी था। तो उस व्यक्ति की अपनी पत्नी के साथ बनती नहीं थी, जब देखो तब लड़ाई झगड़ा करता, अगर शाम को खाना भी खाता तब भी लड़ाई झगड़ा होता, कुछ भी होता दोनों के बीच इतनी लड़ाई होती। और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनके बीच में तलाक की बात हो गई। पति ने कहा पत्नी से कि अरे तुम मुझे तलाक दे दो और मैं किसी और से अपनी शादी कर लूंगा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं किसी और के साथ रहूंगा। पत्नी ने सोचा कि अब करूं तो क्या करूं, और हमें तो नहीं पता लेकिन सुनने में आया कि जब तलाक होता है तो लगभग 1-2 महीना जरूर लगता है, ऐसा लगता है ना। तो जब उस पत्नी ने सोचा कि तलाक पतिदेव मांग रहे हैं, तो उसने अपने पति से कहा कि अजी सुनते हो, आपको तलाक तो मैं दे दूंगी पर मेरी शर्त है। बोले क्या? बोले मेरी एक शर्त यही है कि जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता, जब तक हम अलग नहीं हो जाते, तब तक आप मुझसे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे आप पहले करते थे। जितना प्यार आप मुझसे पहले करते थे आप अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करोगे, तभी तलाक दूंगी। पति की आदत थी कि सवेरे सवेरे चाय बनाकर पत्नी को देता था। तो जब पति ने मान ली शर्त, तो अगले दिन सुबह उठकर पत्नी को ले जाकर चाय पकड़ाई, चाय पिलाई और बड़े प्रेम से बातें की। धीरे धीरे एक महीना बीता, और जैसे ही एक महीना बीता, अंत में उस पति के मन में ये विचार आया कि मैं आज भी अपनी पत्नी से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना मैं पहले करता था, मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। और यही बात वो बताने के लिए अपने पत्नी के पास आया, उसके रूम में आया, तो देखा कि पत्नी बिस्तर पर लेटी है और उसके बगल में एक खत पड़ा है, चिट्ठी पड़ी है। तो उसने अपनी पत्नी को उठाने का प्रयास किया, पर देखा कि उसकी आखिरी सांसें समाप्त हो चुकी थी, उसकी पत्नी की सारी सांसें पूरी हो चुकी थी, उसका अंत समय आ गया। उस कागज को लिया और जब कागज को पढ़ा तो कागज में लिखा था अपने पत्नी के उस आखिरी शब्दों को वो पढ़ रहा था, तो पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, ठीक 1 महीने पहले मैं आपको ये बताने के लिए आ रही थी कि मुझे कैंसर है। क्या है? कैंसर। और ये बात मैं आपको बताने वाली थी पर आपने मुझसे तलाक की बात कर दी और मेरे पास केवल आखिरी 1 महीना था, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप जैसा व्यवहार मेरे साथ पहले करते थे आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे तभी मैं आपको तलाक दूंगी। बस कारण ये था कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के मन में ये आए कि मेरी माँ आखिरी समय में भी मेरे पिता से लड़ती थी
झगड़ती थी, मेरे माता पिता के बीच में लड़ाई होती थी। जब उस कागज को उस व्यक्ति ने जब पढ़ा तो उसे बड़ा दुख हुआ कि अगर शायद एक महीने पहले अपनी पत्नी की बात समझ जाता तो आज मेरी पत्नी शायद जिंदा होती, आज ऐसा नहीं होता। लेकिन कभी कभी हम गुस्से में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसके कारण आगे जाकर हमें पछताना पड़े। इसीलिए इतना सा छोटा सा भाव है कि आप कुछ भी करें हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन कभी भी अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें। क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता को लड़ता हुआ झगड़ता हुआ देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि जब हमारे माता पिता की नहीं बनती, जब वो आपस में प्रेम से बात नहीं कर सकते तो वो हमसे क्या करेंगे। जब वो आपस में एक दूसरे को नहीं समझते, अब एक दूसरे की बात नहीं सुनते तो वो हमारी बात क्या सुनेंगे। इसीलिए अपने बच्चों के सामने कभी भी ऐसे शब्दों का चयन ना करें, क्योंकि आजकल गाली गलौज बहुत होती है और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो लड़ाइयों में ऐसी ऐसी गालियां दी जाती कि पूछो मत। इसीलिए अपने बच्चे को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दें, उसे धर्म की ओर लगाएं। आप जो चाहते हैं उसे बनाने के लिए, चाहे आप उसे कलेक्टर बनाएं, चाहे एसपी बनाएं, डॉक्टर बनाएं, कुछ भी बनाएं, हम नहीं कहते कि आप उसको ये मत बनाओ वो मत बनाओ। आपकी इच्छा, आपके बच्चों की इच्छा, आप उनको पूरी करें, लेकिन उसके साथ साथ ये सिखाएं कि हमारा धर्म क्या है, हमारे भारत की सभ्यता क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हमारी परंपराएं क्या हैं।